बेटा ड्रिल सेम ही है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? कोई भी डाउट कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं, माइक्रोफोन ऑन है आपके, और फटाफट से पूछ ले, ठीक है? आगे चलते रहेंगे। स्लाइड शो हो रही है? बेटा यस मैम, सब यस मैम। हाँ ठीक है, चलो देखो, मेरे पास थ्री डिफरेंट काइंड की लिक्विड्स हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप की लिक्विड है, और मैंने उन्हें ऐसे थ्री डिफरेंट बीकर्स में दिया है। ओके, थ्री डिफरेंट टाइप के, जो बच्चे अभी आए हैं बेटा, बिल्कुल अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, कुछ भी मिस नहीं किया है आपने, ठीक है? आराम से देखना। मेरे पास थ्री डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स हैं, मैंने उनको इस तरह से कंटेनर्स में फिल करा हुआ है। ओके, अभी हमने क्या करा, हमने इन कंटेनर्स में ट्यूब इंसर्ट करी कोई, ठीक है? कोई भी ट्यूब इंसर्ट करी, ये इस तरीके से। बेटा क्या हो सकता है इनमें बताओ, इस सिचुएशन में जब आपने ट्यूब इंसर्ट करी क्या होगा, आपको क्या लगता है? अरे तो बताओ, कुछ लग भी रहा है कि नहीं? बताओ, कोई बताना चाह रहा है? गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम, ये ट्यूब बेटा, हाँ बोलो, कैफी कैफी बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? मैम, ये ट्यूब ओपन है दोनों साइड से मैम, हाँ, क्या हुआ इनमें? ये फ्लोट करने लग जाएगी। ओके, सोचो, ऐसा नहीं हो रहा, इसके अलावा लिक्विड के साथ क्या होगा? चलो ऐसे मैं थोड़ा क्वेश्चन और स्पेसिफिक कर देती हूँ, लिक्विड के साथ क्या होगा? मैम देखो, लिक्विड ट्यूब के अंदर जाएगा बिल्कुल, जाएगा, या तो हाँ। राइज करेगा या फॉल करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, जितना ठीक पार्ट है? इमर्ज होगा ट्यूब का उतना। देखो, ऐसा ऑब्जर्व करा गया बेटा कि कुछ लिक्विड में, कुछ स्पेसिफिक लिक्विड्स में क्या देखा गया कि जैसे ही आपने कोई ट्यूब इंसर्ट करी ना, कि लिक्विड हल्का सा ऐसे रेज हो गया, देख रहे हो? ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करके दिखाया है, पर कुछ इस तरीके का हमने देखा कि लिक्विड जो है ट्यूब पे ऐसे ऐसे रेज कर गया, ठीक है? और कुछ लिक्विड जो है वो ट्यूब के एंटर करने से इस तरह से डिप्रेस कर गए ऐसे, राइट? और कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ा, कितनी ट्यूब आ गई। देखो, जो बच्चे अभी आए हैं, कुछ भी नहीं छूटा है, ये स्टार्टिंग थी, ठीक है? तो ये स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ यही बोला था आपसे, एक सेकेंड, कि हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स हैं, ओके? उनमें मैंने ट्यूब इंसर्ट करी। अब बेटा, जब मैंने ट्यूब इंसर्ट करी तो मैंने क्या देखा कि तीन ऑब्जर्वेशन मेरे को मिली। एक मिली कि लिक्विड इस तरीके से राइज कर गया, ठीक है? सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, लिक्विड डिप्रेस कर गया, और थर्ड क्या थी, लिक्विड जैसा था वैसे का वैसा ही रहा। अब बेटा, इस केस में मैं आपको बोल रही हूं कि आप दो टेंजेंट ड्रॉ करो। दो टेंजेंट कहां पे ड्रॉ करो? देखो, ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके बीच में, ग्लास ट्यूब के बीच में और लिक्विड के बीच में। बेटा क्लियर हुआ? देखो, यहां पे ये पॉइंट होगा, इधर ये होगा, ठीक है? दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब बेटा, दो टेंजेंट आएंगी हमारे पास, एक आएगी टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, एक आएगी टू द सॉलिड सरफेस। वे जब कॉन्टेक्ट दो का हो रहा है तो उन्हीं दो पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इज इट फाइन? यस बोलो। मैम, यस। ये देखो, एक टेंजेंट हमने ये मस्त ड्रॉ करी यहाँ पे लिक्विड पर। अब देखो, अगर ये टेंजेंट ड्रॉ आया तो बेटा ये टेंजेंट तो ऐसी भी ड्रॉ हो सकती थी ना, राइट? सिमिलरली देखो, यहां पर ये ऐसे पीछे भी तो ड्रॉ कर सकती थी मैं, भाई टेंजेंट तो पूरी होती है ना, कोई कर्व है इस पे टेंजेंट, तो ये ऐसे, बहुत बढ़िया, इसमें तो ये ऐसे पूरी जाएगी ना, आगे पीछे हर तरफ, ठीक है? यस मैम, चलो, अब हम क्या करेंगे, सॉलिड पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखो, एक तो ये चलो सॉलिड पे आ गई प्रॉपरली, ऐसे चली जाएगी, और एक ही ऐसे 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 भी जा सकती है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे होगा ऐसा, एक सेकेंड, ये देखो, लाइक दिस एंड लाइक दिस,
इज इट ओके? ये हो गई टेंजेंट एट सॉलिड। ओके बेटा, यस मैम। अब बड़े ध्यान से देखना इन दो टेंजेंट्स के बीच के एंगल को, इसको थीटा बोलते हैं। दिस इज थीटा और यही हमारा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब मुझे एक चीज बताओ, मतलब मैंने जब टॉपिक पहली बार पढ़ा था मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन आया था, आप लोगों के दिमाग में आया कि नहीं आया वो बताना, कि अगर ये थीटा बोल रहे हो तो ये एंगल भी तो थीटा हो सकता है ना, क्योंकि ये भी तो दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है और उन्हीं टेंजेंट्स का जिनकी आप बात कर रहे हो सकता है ना। यस बताओ, यहाँ पे ये भी हो सकता है पर ये नहीं है, अब ऐसा क्यों? तो बेटा इसके लिए ना हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। इसकी डेफिनेशन हमसे कहती है कि आप वो एंगल कंसिडर करोगे जो इन दो टेंजेंट्स, देखो टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस और टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, और कहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो टूवर्ड्स द लिक्विड हो। समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप बस एक छोटा सा ट्रिक सा ध्यान रख लो कि आप जब भी लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट बनाओगे, ध्यान से सुनो, आप जब भी लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट बनाओगे तो आप कौन सा टेंजेंट कंसिडर करोगे जो सॉलिड से अवे जा रहा हो, जो सॉलिड से अवे जा रहा हो। ठीक, जब आप टेंजेंट बनाओगे टू द सॉलिड सरफेस तो बेटा आप उस टेंजेंट को कंसिडर करोगे जो लिक्विड की तरफ हो, विच इज टूवर्ड्स द लिक्विड। इज इट ओके? अब देखो, अब हम कैसे सिर्फ इन दो बातों पे पिछली टेंजेंट्स हटाते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, जब भी मैं लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो मुझे वो टेंजेंट लेनी जो सॉलिड से अवे जा रही हो। बेटा इसमें ये वाली टेंजेंट सॉलिड से अवे जा रही है ना, देखो ये वाली तो टूवर्ड्स द सॉलिड है, देखो ध्यान से देखो, भाई सॉलिड ये है, ये वाली टेंजेंट अवे फ्रॉम द सॉलिड है और ये वाली टूवर्ड्स द सॉलिड है। इज इट ओके? बताओ। यस मैम। सेकेंड केस में आप देखो तो जो टेंजेंट हमने सॉलिड लाइन से शो करी है वही अवे फ्रॉम द सॉलिड है, दूसरी वाली टूवर्ड्स द सॉलिड है, तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे, राइट? ठीक है ना। अब ऐसे ही आप सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट को देखो, हमने क्या कहा था, टूवर्ड्स द लिक्विड। बेटा ये भी टूवर्ड्स द लिक्विड है, ये भी टूवर्ड्स द लिक्विड है, बट ये दोनों ही अवे फ्रॉम द लिक्विड है। तो अब आप ध्यान रखोगे कभी भी आपको अगर मेजर करने के लिए चार फोटो बना दे और आपसे कहे कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा है तो आप बता सकते हो। यस मैम। यस मैम। फाइन, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास देखो इस वाले केस में सॉलिड से भी यही टेंजेंट जाएगी और लिक्विड से भी, है ना, इस वाले केस में, क्योंकि कुछ राइज फॉल वगैरह कुछ हुआ ही नहीं था। बेटा इस वाले केस में थीटा होगा 0 डिग्री। यहाँ पे आप ध्यान से देखो थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है, राइट? बेटा जब भी आपको एक्यूट एंगल मिलेगा उस टाइम लिक्विड राइज करेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट इन पर आते हैं, यहाँ लिक्विड फॉल करेगा, ठीक है, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना तो राइज ना फॉल। फाइन, अगर मैं आपको तो एक मतलब थीटा एग्जांपल, 90 डिग्री होगा। हाँ जी, थीटा 90 डिग्री हो सकता है। थीटा 90 डिग्री, आप कंडीशन कंडीशन देखो, देखो अब थीटा 90 डिग्री कैसे होगा, आप मुझे एक बात बताओ, कोई कांटेक्ट, आप कंडीशन खुद सोचो कैसी कंडीशन पे थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री आना चाहिए, यानी कि टेंजेंट टू द लिक्विड है ना और टेंजेंट टू द सरफेस, ऐसे क्या होगा बताओ, आपका क्या मानना है? किसने पूछा था बेटा? मैम तो मेरी फिर 90 डिग्री पे 90 डिग्री थीटा बनेगा ही नहीं। ओके नहीं, मैम। मतलब देखो यहाँ पे हमें बेसिकली जो स्टडी करना है वो एक ये रहा, ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और 0 डिग्री। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ सॉल्यूशन की, इन केस अगर आ जाए तो, एक मिथाइल आयोडाइड सॉल्यूशन होता है उसमें एंगल बनता है 29 डिग्री, एक होता है हमारे पास मरकरी, यहाँ बनता है 137 डिग्री, ठीक है, और बेटा एक है वाटर, इधर बनेगा 0 डिग्री। फाइन, मैम अपने पॉइंट ऑफ मैम कांटेक्ट कैसे लिए?
ओके नाइस। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने किसकी बात करी, एक बात करी मैंने लिक्विड की और एक बात करी सॉलिड की, ठीक है बेटा। तो जहां लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट है वहां पर, ये देखो जब यहाँ पे राइज करा तो बेटा ये वाला पॉइंट होगा ना, जब यहाँ पे डिप्रेस करा तो ये वाला पॉइंट होगा ना, यहाँ पे ये इसके साथ इस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है ना, ये होगा। ओके बोलो बेटा, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके आपको ये डेफिनेशन क्लियर है? एक बार फिर से देख लो। द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस मेजर टूवर्ड्स द लिक्विड इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। और ये ट्रिक आप ध्यान रखना, ठीक है, व्हाइल सेलेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो एक मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन करने दी कि ग्लास सरफेस लो, ठीक है, उसमें मैंने आपसे बोला कि भाई एक मरकरी की ड्रॉप लाओ और एक वाटर की। तो आपने क्या देखा कि जो वाटर की ड्रॉप है वो कुछ ऐसी हो गई है, फ्लैट, ठीक है ना, फ्लैट होने की कोशिश कर रही है, और जो मरकरी की ड्रॉप थी वो मस्त ऐसे आराम से रखी हुई है। अब मुझे बताओ ये ऑब्जर्वेशन के पीछे रिजल्ट, मतलब रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ होगा? बोलो बेटा, आप अगर चैट बॉक्स में लिखने में कंफर्टेबल हो। एडहेसिव क्या बेटा? फोर्सेस की वजह से एडहेसिव ओके राइट। आपका नाम क्या है बेटा? निशा ने बोला एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, गुड। फोर्सेस की वजह ओके क्या, अच्छा काफी नाम है आपको, तो कैफी बोल रहे थे, सॉरी। ठीक है चलो, मेरे पास एक रीजन आया एडहेसिव फोर्सेस और एक आया निशा का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। बाकी बच्चे? ओके निशा भी इस बात पे बोल रही है कि ये भी है, ठीक है। और बताओ, बोलो बेटा। नो चलो बिल्कुल, एडहेसिव फोर्सेस को ऐसे फोर्सेस काम करेंगी। और बेटा एक सरफेस टेंशन का भी यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो। अब देखो हम देखते हैं कैसे आएगा। आप लोगों को पता है एडहेसिव फोर्सेस को ऐसे फोर्सेस, ऑल दो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जब सिमिलर काइंड ऑफ कोहेसिव पार्टिकल्स में इंटरेक्शन होता है तब क्या होता है, फोर्सेस। गुड। अब देखो बेटा, जो वाटर की मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, यानी कि जो कि कोहेसिव फोर्स है वो कम है वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में, ठीक है, जबकि मरकरी के केस में इसका जस्ट उल्टा है, उनकी कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। इसीलिए जब आपने मरकरी ड्रॉप को रखा ग्लास सरफेस पे तो मरकरी ड्रॉप ने क्या करा, आपस में ही क्लोज इंटरेक्शन करा और वो ग्लास के साथ इंटरेक्ट नहीं करी, जबकि वाटर ने क्या करा, उसने देखा कि मस्त वाटर के साथ हम ग्लास के साथ इंटरेक्ट करेंगे, हमारा इंटरेक्शन ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हमें ये चीज शो हुई। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हो, देखो वाटर का जो सरफेस टेंशन है मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था वो इस ऑर्डर का होता है, और जो मरकरी का है वो लगभग लगभग इस ऑर्डर का है, देख रहे हो आप कितना ज्यादा है वाटर से, तो इसकी तो टेंडेंसी बहुत ज्यादा है अपने एरिया को मिनिमाइज करने की इन कंपैरिजन टू वाटर। इज इट ओके? यस मैम। ओके, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि चलो हमने देखा ऑब्जर्व किया कि लिक्विड राइज करेगा लिक्विड फॉल करेगा, बट ऐसा होगा ही क्यों, लिक्विड ये सब करेगा ही क्यों? आपने कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करी तो ऐसा क्या हो गया कि लिक्विड राइज फॉल करने लगा, बताओ? कोई बताना चाहेगा कुछ भी एक्सप्लेनेशन नैरो ट्यूब की वजह से? मैम, ट्यूब और वाटर के बीच में कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस लग रही होंगी। हाँ तो फिर उससे क्या होगा बेटा, मतलब सही जा रहे हो आप, थोड़ा और आगे जाओ। चलो मैं बताऊँ, कोहेसिव फोर्सेस होंगी तो जो लिक्विड होगा वो फोल्ड करेगा, और अगर एडहेसिव फोर्सेस होंगी तो वो राइज करेगा। हाँ लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन ये था। देखो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। इंटरेक्शन
हाँ इंटरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। देखो मैं बताती हूँ, ये देखो सपोज ऐसे लिक्विड राइज कर गया, ठीक है। अब जब लिक्विड राइज करेगा तो आप देखो इस पॉइंट पे, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहां पे जो मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल इसको बाकी मॉलिक्यूल सभी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एक फोर्स ऐसे आ रही होगी जो वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल लग रही होगी। अब बेटा जब ये राइज करके ग्लास पे पहुंचा है तो एक ग्लास सरफेस पे भी एक फोर्स लगा रहा होगा, राइट। कुछ ऐसे जा रहा होगा। देखो आप में से जो अभी है वो क्लास कंटिन्यू रखना, ठीक है, लीव नहीं करना, क्योंकि मैंने एक दो चीज थोड़ा सा कॉन्टिन्यूशन बनाने के लिए भी आपको नहीं बताई है स्टार्टिंग में ही, इन द एंड हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कभी ऐसा हो आप आधी अधूरी नॉलेज लेके चले जाओ, ठीक है, तो रहना, मस्त मजा आएगा इस टॉपिक पे। बताओ ये दो फोर्सेस समझ में आई। यस अभी मैम, अभी आप पढ़कर आए हो कि वाटर के केस में ये कंडीशन होती है। बेटा अगर कोई एक फैक्टर ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है तो जो रिजल्टेंट फैक्टर होगा वो उसकी तरफ ज्यादा होगा ना, यानी कि कुछ ऐसा रिजल्टेंट आएगा मेरे पास, बताओ यस मैम। बेटा। अब एक बात बड़े ध्यान से समझना, देखो मैं यहां पे पहले लिख लेती हूँ, उसको पढ़ना और फिर बताना मुझे। ये लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड सरफेस टू एक्वायर, दैट सरफेस विच इज नॉर्मल टू द नेट फोर्स या टू द रिजल्टेंट फोर्स। बताओ इस बात से फील आई कि नहीं आई, कुछ समझ आया। मेरा कहने का मतलब है लिक्विड जो सरफेस है उसकी टेंडेंसी है कि जो भी रिजल्टेंट फोर्स लग रही है उसके नॉर्मल खुद को अलाइन करने की। अब देखो इस केस में नेट फोर्स इस तरफ लग रही है तो ये अपने आप को ऐसे अलाइन करेगा, देखो इसीलिए लिक्विड राइज करा। क्यों राइज करा? जब तक आपने कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट नहीं करी थी तब तक एडहेसिव फोर्स का नामो निशान नहीं था भाई। ये वाली फोर्स तो थी नहीं ना, सिर्फ वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो आराम से मस्त ऐसे फोर्स लगा रहे थे सरफेस टेंशन का। लेकिन जब आपने कैपिलरी ट्यूब डाली, आपने एडहेसिव फोर्स का कंपोनेंट लाए और आप एडहेसिव फोर्स ऐसे फ्लूइड में लाए जिसका खुद के साथ इंटरेक्शन कम है। अब नेट फोर्स जब इस तरह से शिफ्ट हुई तो लिक्विड ने अपने सरफेस को अलाइन कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब उसके परपेंडिकुलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम, फील आया? यस मैम। वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए कैपिलरी एक्शन, क्योंकि अभी तक जो हम ट्यूब्स इंसर्ट कर रहे थे वो थी कैपिलरी ट्यूब, वो बहुत नैरो होती है, हम उनका बहुत ही जूम वर्जन देख रहे थे, ये इस टाइप की बहुत ही, और ये तो और मतलब जूम बनी है, बहुत पतली ट्यूब होती है, ठीक है। अगर कोई आपसे इनका एक्शन पूछे तो मतलब ये है सिंपल इस टॉपिक का मतलब कि जब आप कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करते हो किसी लिक्विड में तो क्या होता है, तो आपको पता है कि या तो भाई लिक्विड राइज करेगा या लिक्विड करेगा फॉल, है ना। और एक आपको पता है कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बेटा अगर लिक्विड राइज कर रहा है तो एंगल एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, क्या होगा? एक्यूट एक्यूट, वेरी गुड। ये एक्यूट, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये सही है ना। यस मैम। बेटा अब एक चीज ध्यान रखो, एक नया वर्ड आपके आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो रहा है और बड़े ध्यान से सुनना। अगर एक्यूट एंगल होता है यानी कि लिक्विड राइज करता है तब बेटा कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म होता है। अब कॉनकेव मेनिस्कस क्या है, देखो आपकी कैपिलरी ट्यूब है ये, ठीक है। अब इसमें लिक्विड राइज कर रहा है, आपको पता है देखो यहाँ पे उसे ग्लास और लिक्विड को इंटरेक्शन हो रहा है तो वो राइज कर गया, नीचे छोड़ दिया उसने बचे हुए को, यहाँ तो सिर्फ वाटर वाटर है, समझ रहे हो ना। जहां उसे ग्लास मिला वहां वो राइज कर गया, और जब इस तरीके की शेप आपको दिखती है तब क्या फॉर्म होता है, कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म होता है, इज इट ओके। यस मैम। जब हम लिक्विड फॉल पर आएंगे तब थीटा बड़ा होता है 90 डिग्री से, यानी कि ऑब्ट्यूस होता है, और बेटा इस केस में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स, हाँ बिल्कुल। और कॉन्वेक्स कैसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, ये ठीक है। जहां जहां ग्लास के साथ वाटर का इंटरेक्शन, लिक्विड का इंटरेक्शन हुआ
वहां वहां वो डिप्रेस कर गया। और बेटा नो इफेक्ट में आपको पता है थीटा 0 डिग्री है यस मैम और नो मेनिस्कस वुड फॉल, राइट? दिस इज द कैपिलरी एक्शन, एक शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना। चले आगे। यस मैम, अभी तक हमने बात करी कि लिक्विड राइस होगा, लिक्विड फॉल होगा। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ भाई, कितना राइस कितना फॉल होगा, यानी कि मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपसे चाहती हूँ, और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसी है। ये जो स्मॉल एच है, ये है द अमाउंट ऑफ लिक्विड राइस और फॉल, ठीक है? एस इज सरफेस टेंशन, थीटा इज कॉन्टेक्ट एंगल, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रो इज डेंसिटी, एंड दिस इज स्मॉल आर। दिस स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? कल मैंने आपको बड़े सारे क्वेश्चंस कराए थे इसी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आज आप इसका मतलब मुझे जवाब दे। एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, उसमें इस तरीके से लिक्विड राइज कर गया और ये रहा लिक्विड, ठीक है बेटा? ये एच हाइट राइज करा है, ओके, और ये कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ए बी सी, दिस पॉइंट डी एंड दिस पॉइंट ई, ठीक है? ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बेटा जल्दी से मुझे बता दो पी बी कितना होगा। मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर -2SR बाय आर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मतलब आज किसी ने बताया नहीं ये चीज, बताइए। पी नॉट -2SR, वेरी गुड। और पी एच सी कितना होगा बेटा? मैम ये जो पी बी प्लस रो जी एच। तुम बच्चे मस्त हो, बिल्कुल, आई लाइक इट। P naught minus 2S by R plus rho G H, right? मैं तरीके से सारे क्वेश्चन कर रहे थे, बताना चाहिए था। अब एक बात बताओ, ये जो D और E पॉइंट्स हैं, ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में है? Yes ma'am. It means P at D must be equals to P at C, must be equals to PE, क्योंकि स्टैटिक फ्लूइड है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये सब चीजें बराबर होनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के हम ये चीज बराबर को, अगर किसी को कोई डाउट हो तो लेट मी नो। नहीं, यहां से आप एच का वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, विच इज दिस थिंग, अब ये वाली और ये वाली इक्वेशन तो अलग आ रही है। यहां पे कॉस थीटा है, यहां कॉस थीटा है ही नहीं, यहां स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। बेटा कैपिटल आर क्या होगा, एनी आइडिया? कैपिटल ऑफ मेनिस्कस, ये था रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है? हाँ हाँ, अब मेरा आपसे क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट फिर बात करेंगे उसकी। बताओ रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ ट्यूब सेम बात है कि डिफरेंट बात है? मैम डिफरेंट है। मैम डिफरेंट है। गुड, जिनको इमेजिन नहीं हुआ, ओके निशा, देखो एक बार फिर से देख लो क्यों कैसे क्या होगा, एक सेकेंड सोचो। यहाँ पे ये कॉनकेव मेनिस्कस है, ठीक है? अब एक बात बताओ बेटा, जो रेडियस ऑफ ट्यूब है वो ऐसी होगी ना, ये तो होगी रेडियस ऑफ ट्यूब। यस मैम, राइट। अगर मैं कॉनकेव मेनिस्कस की रेडियस की बात करूं तो कुछ ऐसा सा ये पूरा होगा, है ना? और इसकी रेडियस कुछ यहां के सेंटर पे लाई कर रही होगी, होगी ये चीज? देखो आप, yes, देखो दोनों चीजें डिफरेंट है। अब एक बात बताओ, मैंने बोला कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, आपको दिख गया कि मैं दिखाऊं कैसे है? Yes, ma'am, we got it. हम दिख गया सबको? यस मैम, यस मैम, देख गया। चलो ठीक है, फिर भी यू नो इन केस, बस मैं हल्का सा फिर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। ये दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ करी, दिस इज थीटा, ठीक है? दिस एंगल इज 90,
इट गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, ये एक ही रेडियस की और एक ही मतलब एक ही सर्कल की रेडियस टेंजेंट है, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज गोइंग टू बी थीटा. बेसिकली आपके पास ले देके ये चीज आ गई, राइट. इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब तो आप ये चीज बता ही दोगे. हमारा जो पिछला एक्सप्रेशन था इक्वेशन फर्स्ट, उसमें आप ये चीज पुट कर दो, आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आ गया. ठीक है, यस मैम. ओके फाइन. अभी जिसने मुझसे पूछा था स्टार्टिंग में कि थीटा क्या 90 डिग्री हो सकता है, वो बच्ची है ना अभी? यस मैम. मैंने वो तभी इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे यहाँ डिस्कस करना था, ठीक है ना, तो मुझे मजा नहीं आता है वाला टॉपिक डिस्कस करने का. ओके, अब एक बात बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला दिया ये वाला, राइट. अब मैंने आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपसे बोला, आपको मैंने सरफेस एक फ्लूइड दिया जिसका आपको सरफेस टेंशन बताया, कॉन्टेक्ट एंगल बताया, कैपिलरी ट्यूब का आपको रेडियस दिया, डेंसिटी बताई. अब मैंने आपसे कहा यहां से आप मुझे एच कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है. सपोज आप लोगों ने कैलकुलेट किया 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो मैंने आपको फ्लूइड दिया है उसमें जब आप कैपिलरी डिप करोगे तो वो 10 सेंटीमीटर राइज करेगा लिक्विड, फाइन. अब मैंने आपको कहा कि भाई जो मेरे पास अवेलेबल कैपिलरी ट्यूब है वो लेट्स से 7 सेंटीमीटर की है, अब क्या होगा? मैंने आपको जो ट्यूब प्रोवाइड कराई वो इनसफिशियंट लेंथ की है, अब क्या होगा? मेरा पहला ऑप्शन है आपसे कि लिक्विड राइज ही नहीं करेगा भाई, उसको उसको दिखेगा कि इनसफिशियंट लेंथ का है, नहीं करना राइज. दूसरा, लिक्विड बाहर आ जाएगा एज अ फाउंटेन, फाउंटेन फॉर्म करता हुआ बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो कैसे है? ऐसे yes, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, बहुत ही गंदा बनाया था पर फिर भी समझ गए, दैट्स नाइस. या फिर लिक्विड स्टॉप्स एट द टॉप, या फिर लिक्विड स्टॉप एट द टॉप एंड पैरेलल टू द विड्थ ऑफ ट्यूब, क्या होगा इनमें से और क्यों होगा, मतलब कैसे होगा, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए शुभम के अकॉर्डिंग, ओके. बाकी बताओ मैम. बी मैम. बी बी फॉर बॉय, राइट. यस मैम. ओके, बी फॉर बॉम्बे. मैम बी. बी फॉर बिहार. ओके, बी बी सबका बी. तुम मेरा फेवरेट बैच हो जाओगे, सामूहिक रूप से गलत होते हो हमेशा, सब एक साथ गलत. देखो ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, इट इज डी. अब देखते हैं क्या होगा. बेटा लिक्विड तो राइज करेगा, उसकी टेंडेंसी है, उसको लिक्विड को क्या बुद्धि आ रही है कि मेरे को सफिशियंट लेंथ मिली नहीं, उसने थोड़ी फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है. हाँ जी. नथिंग मैम. हाँ, लिक्विड फाउंटेन की तरह भी नहीं आ सकता. आप ये सोचो, अगर आप फाउंटेन की तरह बोल रहे हो बाहर आने को, तो आप लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी इमेजिन कर रहे हो. काइनेटिक एनर्जी कहां से आ जाएगी, हमने तो कुछ एनर्जी दी नहीं. अगर ऐसा सच होता तो आप समझ नहीं रहे कितनी बड़ी इन्वेंशन हो चुकी होती है. फिर तो हम क्या करते, किसी पहाड़ पे जाके बैठते, वहां पे लिक्विड का कैलकुलेट करते, सारा सब कुछ निकाल के एच कैलकुलेट करते, उससे कम लेंथ का ट्यूब डालते, पानी निकलता फाउंटेन की तरह, पहाड़ से नीचे गिराते और टर्बाइन रोटेट कराते मस्त, सब कैपिलरी ट्यूब लेके बैठ जाते. इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. लिक्विड सिर्फ टॉप पे आके रुकेगा नहीं, ये चीज भी होगी. देखो टॉप पे आके रुकने का मतलब क्या है, आप सिंपल समझो, लिक्विड मैंने बोला राइज कर रहा है, लिक्विड राइज कर रहा है मतलब कॉनकेव मेनिस्कस बना रहा होगा,
बेटा टॉप पे आने का मतलब है कि ये सिचुएशन पे रुक गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारे पास इनसफिशियंट लेंथ का लिक्विड होता, वो ट्यूब होता है, तब लिक्विड राइज तो करता है और रुकता भी है, लेकिन इस तरीके से अपने आप को पैरेलल कर देता है विड्थ ऑफ ट्यूब के। और बेटा ये केस है जहां कॉन्टेक्ट एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है? अगर उस पॉइंट पे बता देते तो इस वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा मजा करके रहा हो जाता। ओके इस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, मैंने क्वेश्चन फॉर्म में बता दिया ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। ओके समझ में आया सबको? ठीक है चलिए अभी वाला क्वेश्चन करके बताओ। रुक जाएगा, बाहर नहीं गिरेगा? ना ना ना, बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है? आप ऐसा तो मिलती नहीं है, पर या आप ऐसे मानो उसका कॉनकेव अपना मेनिस्कस का। हाँ मैंने चीज लिखनी छोड़ दी, इट चेंजेस द शेप ऑफ मेनिस्कस। और ऐसा कब होगा? जब इनसफिशियंट लेंथ होगा। इट चेंजेस द शेप, शेप्स नहीं, शेप ऑफ मेनिस्कस, ठीक है? चलो अभी वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ, मैंने सिर्फ डेटा लिखा हुआ है। मेरे पास 3 फ्लूइड्स हैं जिनका डेंसिटी इस रिलेशन में है, ठीक है? वो जो फ्लूइड्स हैं वो सेम हाइट तक राइज हुए हैं, आइडेंटिकल कैपिलरीज उनमें इंसर्ट की गई थी और सरफेस टेंशन उनकी सेम है। अब आप बताओ उनके रिस्पेक्टिव कॉन्टेक्ट एंगल्स में क्या रिलेशन होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से सेलेक्ट कीजिए और सामूहिक रूप से सही हो जाइए प्लीज। लेट्स स्टार्ट। मैम आपने पीछे कौन सा फॉर्मूला लिखा था? यहाँ लिख दूँ? यस मैम। इसमें स्मॉल आर रेडियस ऑफ ट्यूब है। नेहा का आंसर आ गया है बी और शुभम का आंसर आया है ए। ओके बाकी बताओ। मैम बी। बी, तन्वी का सी, खुशी का बी, अंशु का ए, निशा सी, अंकिता बी। ओके मैम बी। बी सबका बी। ओके अब विशी एंड संध्या सी, आरती ने बोला है ए वापस से, अंशिका ए बी सी डी इट्स नोटा, ज्योति सेट सी। ओके चलो आज मैं नहीं बोल सकती आप लोग सामूहिक रूप से गलत है, क्योंकि कुछ बच्चे लाइक आरती और अंशिका, और अंशिका नहीं, अंशिका ने तो बाद में ए बी सी डी कर दिया, ये अंशिका ए ही था आपका और शुभम है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन सब बच्चों ने ए बोला और ए करेक्ट है। अब देखो कैसे, अच्छा आपका आंसर ए ही है। ओके मैंने क्या बोला, जो लिक्विड है वो सेम हाइट तक राइज हुआ। बेटा हाइट सेम, सरफेस टेंशन सेम, देखो आइडेंटिकल कैपिलरीज है मतलब आर सेम और जी का वैल्यू तो सबके लिए सेम होता ही है। तो आप देखो कॉस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आ रहा है ना, यानी कि जो रिलेशन रो का है वही रिलेशन कॉस थीटा का होगा। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि राइजेस टू द सेम हाइट, मैंने वर्ड यूज किया है राइज, यानी कि लिक्विड राइज कर रहा है, लिक्विड राइज कर रहा है तो थीटा 90 डिग्री से छोटा है। अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो हमेशा हम ध्यान रखो कॉस थीटा का वैल्यू एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिस हिसाब से एंगल बढ़ता रहता है कॉस का वैल्यू कम होता रहता है ना, राइट? तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 इस तरह से जाएगा। इज इट ओके? यस मैम। ओके मैम ये
में पता था इसलिए सी बोला क्या नहीं पता था बेटा? मैम, ये कॉस थीटा वाला कि अगर एंगल बड़ा होता है तो कॉस थीटा छोटा होता है। अच्छा देखो, आप ध्यान से देखो ना, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? इसे भी छोड़ो, मुझे तो वेव पसंद है कॉस की। यस ये मैम। देखो, जीरो पे यहां और 90 पे यहां, देख रहे हो रिलेशन कैसा आ रहा है? यस मैम। ठीक है, वरना वैल्यू से देख लो। चलो कोई नहीं, ध्यान रखना बस। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला है फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन अ पॉइंट व्हिच इज 5 सेंटीमीटर बिलो। लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स और ये 5 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, ये वाला जो भी भरा हुआ है, पानी का कलर चेंज हो गया, उधर सेम कर देते हैं। ठीक है, यही सब चीजें हैं। अब आपसे पूछा है कि जो पॉइंट है ना एक्स, इसमें और एटमॉस्फेयर में, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, वो आपसे पूछा है, फटाफट से निकाल दो। 5 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, और आपको रेडियस ऑफ ट्यूब भी दी हुई है 0.5 मिलीमीटर। फटाफट से बताओ क्या आंसर आ रहा है। और डिफरेंसेस से हमने मॉड्यूलस का यूज किया, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा डिफरेंस। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम जो आर दे रखा है वो मिनिस्कस का दे रखा है या फिर ट्यूब का दे रखा है? आप देखो स्मॉल आ रहे कि कैपिटल आ रहे, मैंने आपको बताया था। यस मैम। आप लोगों ने क्वेश्चन कर रहे हो ना, सॉल्व कर रहे हो, आपने डेटा लिख रखा है ना, मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन रोक दूं, इफ दैट्स ओके। यस मैम। आपको विजिबल तो अब भी होगा ना क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है बेटा, बेटा आया किसी का आंसर? हम ऑप्शन सी शायद से कंफर्म नहीं है। ऑप्शन सी, ठीक है, किसका आया? आप नाम बता दो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपना नाम, बताओ। मम आरती। आरती। चलो फटाफट से बताओ किसका क्या क्या आ रहा है, इतना टाइम थोड़ी मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। बताओ बच्चों,
ये और किसी का नहीं आया? कहाँ गए अंशिका, ज्योति, संध्या, विशी, अंकिता, निशा, खुशी, तन्वी, नेहा, शुभम, कैफी, शुभम का तो हो गया ना, बताओ जल्दी बताओ बच्चों। शुभम का सी आया है, अंशिका कह रही है वेट मैम, ओके शुभम का भी सी आ गया, अंकिता भी सी, खुशी भी सी, अंशिका, अंशिका कंफ्यूजन, एक बताओ बेटा ए बी सी डी, बट मैम मैं कंफ्यूजन, नहीं, अंकिता तो आपका नाम यहाँ पे दर्ज हो चुका है, ठीक है। निशा कह रही है डी, ओके और बताओ, कैफी बेटा बोलो यस मैम, हम जल्दी बताओ क्या आ रहा है, जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। से कहो जल्दी से। नेहा, यस मैम, अभिषी, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन, तुम मुझे सबके नाम लेने पड़ेंगे वरना तुम बताओगे नहीं ऐसे है? ज्योति, यस मैम, मीनाक्षी, मुकुल, जल्दी बताओ बेटा, प्रियांशी, संध्या, बताओ अंशिका ने सी बोला है, प्रियांशी ने सी बोला है, ओके और कोई बचा, मुकुल, ज्योति भी सी, नेहा भी सी, ओके बी मैम डी किसका आया, काफी डी काफी, काफी का बी आया, मैम संध्या का बी डी आया, डी आया संध्या, मैम हाँ, और काफी आपका, अच्छा डी काफी का डी, ओके मीनाक्षी डी, फाइन, मुकुल है, तन्वी, ये सारे बच्चे आज अटेंडेंस दे दो अपने यहाँ पे जल्दी से, तन्वी और मुकुल नहीं, चलो देखो ये है सामूहिक, आपको पता ही हो गया होगा आप सामूहिक है तो ये गलत है ना, तो ये सबका गलत है, ओके कोई नहीं, चलो अब देखते हैं, पर मुझे समझ में आ गया आप लोगों ने ऑलमोस्ट जिन्होंने सी बताया कर लिया, बस प्रेशर डिफरेंस में आप माइनस करना भूल गए हो, संध्या योर आंसर इज करेक्ट, इट इज सी, ओ इट इज बी, ठीक है चलो अब देखते हैं कैसे हुआ होगा, तो करते हैं फटाफट से सॉल्व, यहाँ पे आप एक पॉइंट मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है यहाँ पे पी नॉट प्रेशर है, यहाँ हो जाएगा पी नॉट माइनस टू एस बाय आर, और इधर हो जाएगा पी एक्स पे पी नॉट माइनस टू एस बाय आर प्लस रो जी एच, ठीक है मुझे प्रेशर डिफरेंस निकालना है इन दो के बीच में, तो बेटा यहाँ पे माइनस टू एस बाय आर प्लस रो जी एच बचेगा राइट, यस और अब आप मैम, वैल्यूज पुट करा दो मुझे जल्दी से बता दो क्या आ रहा है, यहाँ पे एस का वैल्यू कितना था, 0.075 आर का वैल्यू, अब देखो ये था रिलेशन है ना, यहाँ पे वाटर दिया हुआ है थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और आर क्या है हमको स्मॉल आर गिवन है ना, तो यहाँ पे स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, ठीक है इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हो, यहाँ पे 0.5 × 10^-3, ठीक है मिलीमीटर दे रखा है इसलिए हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और क्या बचा रो जी एच, बेटा वाटर की डेंसिटी सबको पता है कितनी होती है 10^3 एसआई यूनिट में, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप उसको मीटर में कन्वर्ट करके रखोगे ये आपकी वैल्यूज आ गई, अब इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है तो 10^-3 ऊपर भेज देते हैं 75 हो जाएगा, 5 से 75 पड़ेगा 15, और एक और 0 पड़ जाएगी मतलब पॉइंट है, समझ रहे हो ना, सॉल्व करके बताऊं, देखो 0.5 है पॉइंट हटेगा 0, और यहाँ बचेगा 500 है ना, 10^4 और 10^-2, 10^2 बचेगा,
और बेटा आपका यहाँ पे हो जाएगा ये -5 पॉइंट, हटाओ 150, एंड इट इज गोइंग टू बी -300 +500, तो बेटा आंसर आएगा फाइन। योर ऑप्शन बी, किसी को कोई डाउट नो मैम, और कोई? नो मैम। चले तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कर दीजिए सॉल्व, मेरा सामूहिक चैप्टर खत्म बैच। हो गया। और क्या सब कंप्लीट हो गया? लास्ट कैपिलरी तो था। यस मैम। हाँ तो फाइंड द हाइट टू विच लिक्विड राइजेस, ठीक है, हमको चार ऑप्शन दिए हैं। इस बार ध्यान देना, हमको ट्यूब सिलिंड्रिकल ना देगी, कोनिकल दी है और कोनिकल ट्यूब का रेडियस दिया है स्मॉल बी। ओके, पानी जो सॉरी लिक्विड जो भी है वो राइज हुआ है हाइट एच तक, अल्फा दिया है हमें एंगल। अरे अंकिता ऐसा थोड़ी है, गलत होता है तो क्या हुआ? देखो यहाँ पे गलत हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वहां गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई जज थोड़ी कर रहा है, आपकी क्लास से आप आंसर नहीं दोगे तो कौन देगा? अब मुझे अगले इस क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर जरूर चाहिए, ठीक है? कॉन्टेक्ट एंगल थीटा, डेंसिटी रो, सरफेस टेंशन एस, फटाफट से बता दो। अंकिता ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि क्वेश्चन में हमारे आंसर्स गलत आ रहे हैं तो हम आंसर नहीं देंगे, ठीक है? किसका 190 है बेटा? संध्या लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्यों लास्ट वाले क्वेश्चन में तो प्रेशर डिफरेंस ये थे ना, तो जी का वैल्यू का क्या मतलब समझ में नहीं आया मुझे, आप क्या पूछ रहे हो? अभी वाला क्वेश्चन करो, ठीक है, उसके बाद मैं पीछे वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगी एक बार फिर से आपसे। ओके निशा, निशा का आंसर आ गया। अरे ऐसा नहीं है, देखो बुद्धू बच्चे जैसा कोई बच्चा नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, क्वेश्चन का आंसर गलत आया है दैट इज नेवर इंपॉर्टेंट, कब तक? जब तक हम क्लास में प्रैक्टिस करें। यहाँ तुम 1000 क्वेश्चन गलत करो, मुझे पूरा भरोसा है अगर एक बार जो तुमने क्वेश्चन गलत किया है उसको तुमने एक्सप्लेनेशन सुना, उसके बाद तुम उस क्वेश्चन को उसके जैसे किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, राइट? तो ये तो फाइन, तुम आंसर्स दो, करो उससे सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, आंसर दो। शुभम का भी आंसर आ गया सी। ओके कुछ नहीं होता, सब बुद्धू जैसा, बुद्धू बच्चा कोई नहीं होता, इट्स अ फैक्ट। ओके बेटा मैं सॉल्व करूं? यस मैम। ओके तो जिन भी बच्चों का सी आया है उनका सही आया है, अब एक बार देख लेना आपने क्वेश्चन। ओके खुशी, आप की मतलब ऐसे ही करना था या कैसे करा आपने, ठीक है? अब देखो पहला तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही हमारा कुछ सिमिलर सा जा रहा है कि ये रहा कॉनकेव मेनिस्कस, यहाँ पे पी नॉट प्रेशर, यहाँ पे P0 -2 S/R प्रेशर,
यहाँ पे पी नॉट माइनस टू एस बाय आर प्लस रो जी एच का प्रेशर, ठीक है, सिंपल है बेटा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट एक्सपोजर में है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट होगा, राइट। तो हम वही चीज बराबर रख देंगे कि पी नॉट बराबर पी नॉट माइनस टू एस वाई आर प्लस रो जी एच। जिसको भी इस तरीके से प्रेशर लिखने में दिक्कत है वो लास्ट लेक्चर देखना, वहां बिल्कुल क्लियर होगा, हमने बहुत क्वेश्चन करे थे ऐसे, ठीक है। तो यहां से आप निकाल दोगे एच का वैल्यू कितना आ रहा है, टू एस अपॉन आर रो जी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में जितने भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं सब में स्मॉल बी दिया हुआ है, यानी कि रेडियस ऑफ ट्यूब दिया हुआ है। तो हमको इतना तो समझ में आ गया कि हमारा नेक्स्ट टास्क है बी और आर में रिलेशन एस्टेब्लिश करने का, ठीक है। अब देखो मुझे थोड़ी सी ज्योमेट्री करनी है, इसलिए मैं इस फोन को थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, ओके। और यहाँ पे हमारा मेनिस्कस भी हम ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, फाइन। अब मैंने आपको बोला था कि ये पूरा एंगल अल्फा है बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखो सेंटर मान के ये तो हो जाएगी सबसे पहले बी, यहां से ये चला जाएगा रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और अगर मैं इसे वर्टिकल ऐसे ड्रॉ कर दूं तो बेटा ये एंगल अल्फा बाई टू हो जाएगा ना, हाफ ऑफ, यस मैम, ठीक है। ये एंगल आ गया मेरे पास अल्फा। अब देखो ध्यान से, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, बेटा इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, देखो एक आ जाएगी टूवर्ड्स द लिक्विड सरफेस, इसको पीछे भी एक्सटेंड कर दो और एक दूसरे कलर से बना देते हैं ताकि हमको डिफ्रेंशिएट कर पाए हम। एक हो जाएगी टेंजेंट ऑन सॉलिड सरफेस, ठीक है, इसको भी इस तरह से एक्सप्रेस कर पीछे कर दो, ठीक है, एक सेकंड करो। अब एक बार बताओ बेटा, ये एंगल थीटा होगा ना, हमने पढ़ा था दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल थीटा जो लिक्विड और सॉलिड पे जा रही है, और यही हमने पीछे एक्सटेंड भी किया है, तो ये भी थीटा होगा, फाइन। अब एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस है ये अलोंग द कोन आ रही है ना, अगर मैं यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो बेटा ये एंगल भी तो अल्फा बाय टू ही होगा ना, जितना ये एंगल था, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर और कोन के बीच का था, अब यही कोन आगे एक्सटेंड हो रही थी, मैंने वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इट इज गोइंग टू बी अल्फा बाय टू ना, बताओ, बोलो, ओके, यस मैम, ठीक है, ओके ओके, हम कहां पर आ गए, थीटा प्लस अल्फा बाय टू, फाइन 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 फाइन, हाँ। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो रेडियस है ये वाली, जो ये एक सेकेंड दिस वन, ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये एक ही सर्कल को बिलोंग करती है ना, एक ही सर्कल की है ना, तो ये 90 डिग्री पे होंगी बेटा, अगर ये एंगल थीटा प्लस अल्फा बाय टू है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाय टू, यस मैम, बोलो, अब ये एंगल भी तो परपेंडिकुलर हुआ ना एक दूसरे के, क्योंकि हमने देखो इस रेडियस के परपेंडिकुलर तो ड्रॉ किया था, ये जो हमने ड्रॉ करी थी ये दो पैरेलल लाइंस है ना, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, अगर ये एंगल इतना है तो बेटा देखो हमारा ये एंगल कितना आ गया, थीटा प्लस अल्फा बाय टू, और यही मुझे चाहिए था, दिस इज बी एंड हियर वी हैव आर, और ये एंगल आ गया मेरा थीटा प्लस अल्फा बाय टू। अब तो सब चीजें आसान है, अब आप फटाफट से यहाँ पे कॉस का वैल्यू रख दो, ठीक है, यहां से आर का वैल्यू निकाल दो, विच इज बी बाय कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय टू। अब जो आपने प्रीवियस स्लाइड पे ये रिलेशन निकाला था ना, इसमें कैपिटल आर की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, देखो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि एच इज इक्वल्स टू टू एस, बेटा कॉस ऊपर चला जाएगा तो कुछ ऐसा आपको एक्सप्रेशन दिखेगा, और नीचे बचेगा B रो B, इज इट ओके, इज इट ओके, यस मैम, यस मैम, बेटा क्वेश्चन समझ में आया किसी को कोई डाउट, नो मैम, नहीं, नो मैम, ये जो क्वेश्चन था ना ये आपका आईआईटी में पूछा गया था,
आईआईटी जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन था, इजी था। यस मैम, रिपीट कर दो क्या बेटा? मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड मैं फिर से क्लास का एक मिनट स्टार्ट, एक मिनट। एक सेकेंड रुको, ठीक है? अब मुझे बताओ कहां से रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है? बेटा मेरा ना अभी जस्ट इस क्लास के बाद मेरी क्लास है, ठीक है? तो मैं आपको अभी इसमें मतलब क्या रिकैप चाहिए मुझे एक बार थोड़ा सा बता दो, तो मैं आपको मतलब करूँ कोई एक टॉपिक पर्टिकुलर। अगर आप मैम इसे नेक्स्ट स्लाइड लगाना, ये वाला सेम क्वेश्चन ना, ठीक है अभी करते हैं ये वाला पॉइंट। आपको ये पूछना होगा कि थीटा प्लस अल्फा बाय 2 कैसे आया, राइट? ये नहीं, आपने जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई जब आपने उसके बाद अल्फा बाय 2 लिखा तो परपेंडिकुलर लाइन बनाई, जो ये बी है इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी ना आपने। हाँ जी, तो फिर ये अल्फा बाय 2 सेम कैसे हुआ, ये एंगल अल्फा बाय 2 कैसे आया, राइट? यस मैम, एक सेकेंड रुको। चलो एक बात मुझे बताओ, एक मिनट रुको निशा, भी बात करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। यस मैम, अभी मैं अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स दिखा दूंगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए एंड में रखा था कि एक अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, तो मस्त एंड करेंगे क्लास से। देखो ये एंगल अल्फा बाई 2 था, राइट बेटा? मैंने एक तरीके से जो टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस थी वो इसी कोन के अलोंग आ रही थी ना, yes, ma'am. इसको मैंने ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? yes, ma'am. ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। बेटा अभी एक ही तो एक ही सेम लाइन की तो एंगल्स हो गए अभी। अगर yes, ये अल्फा बाई 2 है तो ये भी तो अल्फा बाई 2 जाएगा। यस मैम, आ गया आ गया। yes, और ma'am. किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। इसका भी लेना है तो इसका भी ले लो। ले लिया? यस मैम। ठीक है, अभी बस एक सेकंड रुक जाओ। हाँ क्या बोल रहे थे आप लोग कि मुझे क्या क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, कोई सजेशन था? डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है तो संध्या आपने डायग्राम का अभी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो जब क्लास चल रही हो, ठीक है? और इन द एंड आप उसको जब क्लास बंद खत्म हो जाए तो उसका बना लेना डायग्राम। इस टाइम तो आप समझ लो कि आपको डायग्राम समझ में आया कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आएगा ना, क्योंकि अगर समझ में आगे तो बना तो आप खुद भी लोगे। ओके संध्या? मैम समझ आ जाता है, बट जब इंडिविजुअल क्वेश्चन मिलता है तब फिर खुद से डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब इसका सलूशन आप क्या चाहते हो, क्या करूं मैं? मैम डायग्राम वाले क्वेश्चन ज्यादा करवाए कीजिए। हाँ तो डायग्राम वाले तो क्वेश्चन थे हमारे सारे ऑलमोस्ट। यस मैम, इसलिए रीकैप के लिए कहा था। ओके ओके चलो ठीक है, अभी जब तक मेरी थोड़ी सी क्लास हेक्टिक है अभी शेड्यूल, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है? कि मैं ज्यादा एंड तक रुक नहीं सकती ना, मेरी 8:15 पे क्लास है बेटा, मुझे वहां स्टार्ट कर देनी थी, ठीक है? चलो ठीक है।